वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आप सभी दोस्तों का अमेजिंग क्लास में स्वागत है। टारगेट रेलवे एसएससी एग्जाम मिक्स क्वेश्चन की जो सीरीज चल रहा है उसमें रीजनिंग का आज क्लास नंबर 18 है। इससे पहले मैं 17 क्लास ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप सभी वीडियो को देखें और कंसेप्ट को सीखें और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं और एग्जाम में क्वालिफाई करें। चलिए, रोजाना अपडेट पाने के लिए अभी ज्वाइन करें। देखिए, ये जो फेसबुक पेज का लिंक है, इस पेज पे अगर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप फेसबुक पेज पे चले जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप यहां से डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप में पहुंच जाएंगे और इस लिंक से क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम चैनल में पहुंच जाएंगे। ठीक है, जब भी आप इस लिंक से क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम चैनल में पहुंच जाएंगे और जब इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट यूट्यूब पेज पे चले जाएंगे, यूट्यूब पे अमेजिंग क्लास का यूट्यूब चैनल पर चले जाएंगे होम पेज पर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है पेपर फोल्डिंग का है, मैंने इस तरह अगर दिया हुआ जिसको फोल्ड करेंगे तो क्या होगा। देखिए, अब मान लीजिए इसका फोल्ड करेंगे तो क्या मिरर इमेज बनेगा, तो एक तरह से यहाँ अब देखिए ये मिरर जब बनाना है तो क्या होगा, इसके ऊपर देखिए मान लीजिए इसे करके इस तरह करके है। ठीक है, अब मान लीजिए इस तरह करके वो है। ठीक है, तो यहाँ पर एक डॉट है, ठीक है, और एक डॉट यहाँ पर है, एक तरह का बना हुआ है। तो जब भी इसको अगर खोलेंगे, अब इसको बंद किया हुआ, इसको जब खोलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर भी एक डॉट बन जाएगा। ठीक है, अब जब इसको खोलेंगे तो क्या एक तरह से मिरर इमेज का काम करेगा, तो सेम चीज़ इस पर यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, और ई वाला जो होगा यहाँ पर इस तरह बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला फिगर कहाँ पर, आप देखिए इसको इस तरह बना दीजिए। ठीक है, अब इसको इस तरह बना दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ से इसको मिटा दीजिए, यहाँ से यहाँ मिटा दीजिए। अब देखिए यही वाला जो लाइन है, अब सिंपली पूरा फिगर को देखिए, आपका इस तरह बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए कौन सा फिगर बन रहा है, अब इसको अगर मिटा देंगे, देखिए। ठीक है, तो देखिए ये वाला फिगर कहाँ बन रहा है, इस तरह ऑप्शन ए में बन रहा है, तो यानी कि ऑप्शन ए जो आपका राइट आंसर होगा। तो पेपर कटिंग का क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको जिस तरह दिया हुआ इसको इस तरह खोलेंगे तो क्या होगा, पहले इसको खोलेंगे तो ये वाला बनेगा, फिर इसको जब इस साइड खोलेंगे, जब हम इसको इस साइड खोलेंगे, इस साइड खोलेंगे, जब इसको हम इस तरफ खोलेंगे ना, तो ये वाला पूरा बन जाएगा। इसका मतलब एक तरह से मिरर इमेज की तरह ही काम करेगा, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। के प्लस एल मतलब P प्लस क्यू का दिया हुआ, तो P प्लस क्यू जो है क्या, मतलब पी क्यू की बहन है, तो K जो है क्या है, K कौन है, K जो है L की बहन है, K कौन है, L की बहन है। ठीक है, अब फिर बोलता है L माइनस M, मतलब माइनस में क्या अर्थ होता है, पी क्यू का पति है, मतलब L जो है M का पति है, इसका मतलब M क्या, उसकी पत्नी हो जाएगी। तो हम आपको पहले वीडियो में बताया कि जो भी हम सर्कल बनाते हैं वो फीमेल होता है और जो स्क्वायर बनाते हैं वो मेल होता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब M डिवाइडेड बाय N इसका मतलब क्या है कि पी क्यू की पुत्री है, यानी कि M जो है किसकी पुत्री है, M जो है N की पुत्री है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि N माइनस O का क्या अर्थ दिया हुआ है, पी क्यू की पति है, मतलब N जो है O का पति है, N जो है ओ का पति है, यानी कि पति पत्नी हो गया। ठीक है, ओ ठीक है, ये पति पत्नी हो गया। तो पूछा है क्या क्वेश्चन में, ओ एल से किस प्रकार संबंध, ओ क्या हो जाएगा। देखिए, अब ई इसका पति है तो इसकी पत्नी, पत्नी की माई मन क्या हो गया, एक तरह से यह क्या, बस ई एल का क्या लगेगा, सास ससुर लगेगा, ई इसका ससुर लगेगा, साथ लगेगा, तो साथ लगेगी, तो ओ जो है एल की कौन लगेगा, एल का कौन लगेगा, वो जो है उसका एल का सास लगेगी। ठीक है, सास यानी कि मदर इन लॉ, ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एनालॉजी का क्वेश्चन है, एनालॉजी का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो एनालॉजी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए बटर मिल्क है, मतलब बटर जो है किससे बनता है, बटर जो है मिल्क से बनता है, इसका मतलब ऑयल किससे बनेगा, तो ऑयल सीड से बनेगा यानी कि बीज से, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर, ठीक है। यदि राहुल की स्थिति किसी पंक्ति में बाएं छोर से, ठीक है, तो बाएं छोर से लेते हैं, तो बाएं छोर से जो राहुल का स्थिति है वो कितना है, 15 है, ठीक है, तो दाएं छोर से क्या होगा ये पूछा है, ठीक है। तो इस टोटल पंक्ति में जो है उसमें कितना 95 व्यक्ति है, तो टोटल जब भी निकालते हैं इसका मतलब क्या हुआ, इधर लेफ्ट हो गया राहुल का, इधर क्या हो गया लेफ्ट तरफ हो गया, और इधर राइट हो गया, यानी कि एक तो दोनों में कॉमन होगा ना, इसका मतलब क्या हुआ, टोटल जो होगा लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट लेंगे माइनस वन, क्यों, क्योंकि बीच में तो एक ही बार काउंट होगा ना, दोनों बार थोड़ी काउंट करेंगे, टोटल अगर 95 है, ठीक है, लेफ्ट तरफ से कितना 15 है, राइट तरफ से निकालना तो माइनस वन, यानी कि 95 माइनस 14 यानी कि 81 आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्या है, रैंकिंग का क्वेश्चन है, ये रैंकिंग का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो रेलवे SSC एग्जाम में कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो उसमें इसका क्वेश्चन मिलता ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कॉन्सेप्ट यूज करते हुए बनाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 5। यदि 30 जून 2016 को बुधवार था, तब 30 जून 2019 को क्या हुआ, ठीक है, दोनों तो डेट सेम है ना, अब देखना है कि हमको 2016 के बाद हमको 2019 आना है, यानी कि 2017 आएगा बीच में और 2018 आएगा, ठीक है। अब देखिए 2016 में जो है इसमें क्या है, फरवरी नहीं है, इसका मतलब हम इसको काउंट नहीं करेंगे, जब फरवरी पार कर चुका तो इसको हम काउंट नहीं करना, मतलब इसको हम ऑड डे काउंट नहीं करना। अब 2017 क्या है, नॉन लीप ईयर, इसका मतलब ऑड डे एक हो जाएगा, 2018 भी नॉन लीप ईयर एक हो जाएगा, और इसमें क्या है कि इसमें हम फरवरी को काउंट कर रहे हैं, क्योंकि फरवरी को तो काउंट करना पड़ेगा 2019 में, इसका मतलब इसका भी लीप ईयर हुआ, नॉन लीप ईयर है, यानी कि टोटल ऑड डे इसमें क्या हो गया, 3 हो गया, 3 ऑड डे हो गया, और इसमें क्या है, बुधवार दिया हुआ, बुधवार दिया हुआ, तो बुधवार में प्लस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी कि सैटरडे, यानी कि शनिवार आपका राइट आंसर हो जाएगा, 5 का C आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको कंसेप्ट को यूज करना है कि फरवरी आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर फरवरी उसमें काउंट नहीं हो रहा है तो उसको हम ऑड डे काउंट नहीं करेंगे, लेकिन फरवरी अगर पार हो जा रहा है तो नहीं करना है, लेकिन फरवरी अगर आएगा उस ईयर में तो उसको हमको ऑड डे फाइंड, ऑड डे हमको काउंट करना पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ठीक है। राहुल को पक्का याद है कि प्रज्ञा का जन्मदिन बुधवार को नहीं है, ठीक है, तो राहुल को पता है, ठीक है, कि प्रज्ञा का जन्मदिन है जो बुधवार को नहीं है, ठीक है, इसको पता है, प्रज्ञा, राहुल को पता है कि प्रज्ञा का जो जन्मदिन है वो बुधवार को नहीं है, ठीक है, नहीं मनाया गया है, और तरुण को पक्का याद है कि, तरुण को पक्का याद है कि प्रज्ञा का जन्मदिन मंगलवार से, यानी कि मंगलवार से लेके मंगलवार और फ्राइडे, फ्राइडे के बीच में, यानी कि मंगलवार भी नहीं है और फ्राइडे भी नहीं है, ठीक है, मंगलवार को भी नहीं है, शुक्रवार को भी नहीं, तो बचा क्या, एक बुधवार बचा, बुधवार और एक थर्सडे बचा, तो राहुल को पता है कि बुधवार को नहीं होगा, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसका बर्थडे थर्सडे को ही होगा, यानी कि गुरुवार को, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक ये क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कॉन्सेप्ट को लगाना है कि देखिए कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। 1+1 देखिए 1 1 1, ठीक है, 2 2 4, 3 3 9, तो आगे क्या होगा, ठीक है, अभी दोनों देखिए 1 1 है तो 1 × 1 = 1, इसका मतलब 1 लिख दिए, उसी तरह 2 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, उसी तरह 3 × 3 किया तो कितना हो गया 9, उसी तरह आपको आगे जाना, देखिए 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद क्या आएगा 4 आएगा, यानी कि 4 × 4 16, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही मस्त लॉजिक है, इस लॉजिक को आपको समझना होगा, इस क्वेश्चन को डिफरेंस से करेंगे तो नहीं बनेगा, तो आपको सब तरह का लॉजिक आपको समझ में आएगा, अगर आप ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लॉजिक इजीली समझ में आ जाएगा,
क्योंकि आप सब तरह का लॉजिक को आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो उससे बाहर क्वेश्चन जाना ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आदि हम ऐप को 25 मानते हैं, ठीक है। ऐप को 25 कैसे लिखा है? ऐप को 25, ऐप का नंबर क्या होता है? ऐप का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 6 होता है, तो 6 होता है, माइनस 1 कीजिए तो 5 आया, 5 का स्क्वायर कीजिए कितना आया? 25। उसी तरह एल का, तो 25 कैसे आपको पता चल गया? उसी तरह आपको एल का भी कॉन्सेप्ट लगाना है। एल का वैल्यू प्लेस वैल्यू कितना होता है? 12। 12 माइनस 1 11, 11 का स्क्वायर 121, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसी तरह आपको टी का निकालना है, टी का निकालना तो टी कितना होता है? 20 प्लेस वैल्यू होता है, 20 माइनस 1 यानी कि 19, 19 का स्क्वायर आपको सभी को पता होगा 361, यानी कि 361 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब कि पुरुष महिला और पत्नियों के बीच में संबंध बताना। देखिए तो महिला जो है, महिला के अंडर में ही पति आएगा ना, महिला के अंदर में पति आएगा, यानी कि महिला और पत्नी का संबंध होगा, लेकिन पुरुष तो अलग हो गया ना, तो इसमें अलग केस एक ही दिया है। देखिए इसमें अलग एक ही केस दिया है, यानी कि ये क्या है, पुरुष होगा यानी मैन होगा, और ये महिला के अंदर में पत्नी आएगी, तो ये ऑप्शन सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेन डायग्राम का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए आपको इससे पहले मैं काउंटिंग ऑफ फिगर में जो मिलेगा टॉपिक उसमें आप सर्च कर लेंगे अमेजिंग क्लासेस काउंटिंग ऑफ फिगर, तो आपको मिल जाएगा, और वहाँ पर आप काउंटिंग ऑफ फिगर का देख सकते हैं कैसे हम नंबर ऑफ स्क्वायर फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल, नंबर ऑफ रेक्टेंगल, उसमें ट्रिक बताया गया है। आप अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए अब क्या है, ये 3×3 का है। अब देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, देखिए ठीक है, ठीक है, तो इसमें कितना है, 1, 2, 3, इसमें क्या 1 और 2, तो क्या करना है कि आपको पहले ही बताया कि जितना नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ कॉलम, सबको जोड़ देना, जोड़ को सबको जोड़ देना, तो इससे 6 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 3 आएगा, तो दोनों को जोड़ने के बाद 6×3 कर दी, दोनों को जोड़ेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो 18 हो जाएगा, तो 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 5 स्टूडेंट नेमली प्रियंका, मैरी, आशा, सुनील एंड रायन आर स्टैंडिंग इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो 5 विद्यार्थी अथा प्रियंका, मैरी, आशा, सुनील एवं रियान एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। रियान के पहले प्रियंका है, ठीक है, तो रियान के पहले प्रियंका, यानी प्रियंका को पहले, रियान के पहले, ठीक है, रियान के पहले प्रियंका है, ठीक है, रियान तथा आशा के बीच में सुनील है, रियान तथा आशा के बीच में सुनील है, ठीक है, उसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आपको जैसे क्वेश्चन में बोला जाएगा उसी तरह आपको लिखते जाना है और स्ट्रेट लाइन में आपको बैठा देना है, ठीक है। तो पहला क्या था, रियान के पहले प्रियंका है, तो पहले बना दिए। दूसरा क्या बोला, रियान तथा आशा के बीच में सुनील है, सुनील लगा दिए, ठीक है। उसके आगे देखिए, सुनील तथा मेरी के बीच में रियान है, सुनील तथा मेरी, ठीक है, तो सुनील तथा मेरी, तो एक ही ऑप्शन है, मेरी सुनील बीच में हो गया, तो ये तो हो गया। फिर पंक्ति में सबसे आगे कौन खड़ा है, तो 5 ही तो था ना, 5 स्टूडेंट बना दिए, तो सबसे आगे कौन खड़ा है, प्रियंका, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको क्वेश्चन को लॉजिक को समझना है, अगर आप सही से क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तो आप गलत ही करेंगे, क्योंकि ऑप्शन बहुत सारा दिया हुआ, सब कुछ ऑप्शन दिया हुआ, थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक करेंगे क्वेश्चन को पढ़ने में तो आपका आंसर गलत ही जाएगा, इसीलिए आपको ध्यान देके क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद ही सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगर काउ 40 है तो गोट 42 है तो डॉग क्या होगा, देखिए आप लॉजिक लगाना, काउ, काउ आप 40 कैसे है आपको पहले फाइंड करना है, तो सी का कितना होता है 3 प्लेस वैल्यू, ओ का 15 और डब्ल्यू का कितना होता है यू बी डब्ल्यू 23। अब सबको प्लस करेंगे तो कितना हो गया, 8×3=11, हाथ में 1, 3 और 1 4, यानी कि 41। 41 कैसे आएगा, 41 से 40 कैसे आएगा, माइनस 1 करेंगे तो 40 आएगा, मतलब ये लॉजिक लग रहा है। अब चेक करते हैं कि लॉजिक गॉट में लग रहा है कि नहीं, ठीक है, तो गॉट में देखते हैं, GATO, तो गॉट में 42 आएगा कैसे देखते हैं, अगर यही लॉजिक लग रहा है कि दूसरा लॉजिक लग रहा है, तो G कितना प्लेस वैल्यू 7, O कितना होता है 15, A का प्लेस वैल्यू कितना होता है 1 और T का प्लेस वैल्यू कितना होता है 20, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7×5=12, 1 13, थ्री कैरी 1 और 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी 5
सात पच्चीस 12, 13, हाथ में 3, 13 तीन हो गया हाथ में 1, और 3 और 1 4, यानी कि 43। 43 माइनस 1 यानी कि 40। 43 माइनस 1 42। इसका मतलब क्या है, दोनों में लॉजिक जो है वो सही लग रहा है। इसका मतलब डॉग में ये लॉजिक लगा देंगे तो डॉग में क्या हो जाएगा, डी ओ जी। तो डी कितना है 4, ओ का प्लेस वैल्यू कितना है 15, और जी का वैल्यू प्लेस वैल्यू कितना है 17। तो सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 5 12 और 4 16, हाथ में 2, हाथ में 1, 1 और 1 2, यानी कि 26। 26 माइनस 1 यानी कि 25। 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको लॉजिक को समझना है तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको कंसेप्ट को सीखना पड़ेगा। तो आप इसीलिए आपको बोलते हैं कि जितना भी मैं रीजनिंग और मैथ का मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का जो बताता हूँ आपको, उन वीडियो को देखें और क्वेश्चन को सॉल्व करें और कंसेप्ट को सीखें। कंसेप्ट को सीखना बहुत जरूरी है। डिमोटिवेट मत होइए, हमेशा मोटिवेशनल वीडियो देखती है और कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। कभी भी पेशेंस रखिएगा तभी आप कुछ कर पाइएगा, पेशेंस नहीं रखिएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के मैथ रीजनिंग आप कभी भी तेजी से नहीं बना सकते हैं। इसीलिए सबसे पहला तो है आपको कि आप एक्यूरेसी को बढ़ाइए, उसके बाद आप टाइम मैनेजमेंट कीजिए और कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, वही आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मैं इस पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप और चैनल और फेसबुक पेज और व्हाट्सएप पेज और यूट्यूब का भी लिंक का डिस्क्रिप्शन डाल दिया। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको उस पेज भी पहुंच जाएंगे, और वहां से आप अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यूट्यूब को सब्सक्राइब कर देंगे और सभी वीडियो को देखें और आप कंसेप्ट को सीखें। और टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक पे आप क्लिक करें और वहां से ज्वाइन हो सकते हैं ताकि वहां भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस क्लास का पीडीएफ का लिंक आंसर के साथ डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या तो जो टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया उसमें आप लोग डाउट पूछ सकते हैं और आपस में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।